रीवा जिले के जवा जनपद के कई कर्मचारी मतदान के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। जवा जनपद के कर्मचारियों की पंचायत चुनाव में चुनावी ड्यूटी प्रथम चरण में लगाई गई थी, जिसके पालन में जवा जनपद के समस्त कर्मचारी प्रथम चरण के पंचायती चुनाव के चुनावी ड्यूटी कर चुके हैं। पुनः इन कर्मचारियों की ड्यूटी तृतीय चरण के पंचायत चुनाव में अन्यत्र लगा दी गई है। जवा जनपद में तृतीय चरण में पंचायत चुनाव है तथा जवा जनपद के कई कर्मचारी ऐसे हैं जो इस चुनाव में मतदाता हैं। वे एक बार चुनावी ड्यूटी भी कर चुके हैं। ऐसे में मतदान के दिन ही अन्यत्र चुनावी ड्यूटी लगने से ये कर्मचारी अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, जो इस लोकतंत्रीय व्यवस्था में अधिक से अधिक मतदान की मूल भावना के विपरीत होगा। जिला पंचायत वार्ड 2 की प्रत्याशी पूर्णिमा तिवारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग की है, जवा जनपद के सभी कर्मचारी जो प्रथम या द्वितीय चरण में चुनावी ड्यूटी कर चुके हैं, उन्हें तृतीय चरण के चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखने की कार्यवाही की जाए, जिससे हजारों कर्मचारी अपने मतदान के अधिकार से वंचित ना हो सके। तो जवा विकास के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी तृतीय चरण में भी ड्यूटी लगाई जा रही है। और ये बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि सरकार चाहती है कि मतदान लोग करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लेकिन अगर हमारे क्षेत्र के 200-250 शिक्षकों की ड्यूटी बाहर लगा दी जाती है तो मतदान के अधिकार से एक तो वो वंचित होते हैं और साथ में ही उनका परिवार भी वंचित होता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति अकेला है, घर में माँ बाप है, पत्नी है, और मतदान केंद्र जरूरी नहीं है कि उनके घर के बगल में ही है, तो निश्चित रूप से पूरा परिवार जो है मतदान से वंचित होता है। तो मेरा मुद्दा यही है कि उन लोगों की ड्यूटी जो है कैंसिल की जाए, भले ही उनको नगर पालिका की और नगर जो पंचायतें हैं उनमें ड्यूटी लगाई जाए उनकी, लेकिन जो अपना क्षेत्र है जहाँ तृतीय चरण में मतदान होना है।